मैं बात करूंगी सीनियर तजिया का साहफ इरशाद भट्टी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, सबसे पहले तो मुझे ज़रा आप बताएं, अगर आपको कुछ आज वज़ीर आज़म के रवैये की समझ आई हो, जब पार्लियामानी पार्टी के रहनुमाओं की मीटिंग बुलाई, अपनी सुनाई, खिताब किया, चले गए, अपोजिशन की बात सुनना तक गवारा नहीं किया, ज़रा ये मुझे बता दें कि ये वज़ीर आज़म का रवैया था, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव का रवैया कहीं से लग रहा था? मुझे तो देख के लग रहा था कि 2014 के धरने के कंटेनर पे इमरान खान साहब खड़े हुए हैं, आए हैं, खिताब किए, बात की और चले गए। लग ही नहीं रहा था कि वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से एक इजलास की सदारत कर रहे हैं, उनमें शायद इतनी वो हिम्मत नहीं है कि अपोजिशन की बात सुन सकें, वही चोर डाकू लुटेरे लगता है, अभी तक उनकी सोच से वो बाहर निकल ही नहीं सकी चीज़ें इस क्राइसिस में भी। देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़ा मुश्किल वक्त है पूरी दुनिया पे, और स्पेशली पाकिस्तान, जिस जहां हमारे कोई वसाइल आपके आपको पता है कि जहां बच्चे औरतें सड़कों पर पैदा करती हैं, और हेल्थ और एजुकेशन कभी भी हमारी प्रायोरिटी नहीं रहा, कर्ज़ों में हम जकड़े हुए हैं, और हमारा जो 98% आवाम थी, हमारे अस्पताल एक नहीं थे, नलके एक नहीं थे, यूटिलिटी स्टोर्स एक नहीं थे, हमारी गलियां मोहल्ले एक नहीं थे, सड़कें एक नहीं थी, और उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा। दूसरी बात जो यहाँ बड़ी अहम चीज़ है, अहम बात है, वो है कि ये आवाम के लिए प्लीज़ अल्लाह के नाम पे आपने एहतियात करनी है, एहतियात करनी है, एहतियात करनी है। कोई खुदा के लिए हुकूमतों पे नहीं रहना, ना सिंध पे, ना केपीके पे, ना पंजाब पे, ना फेडरल पे, कोई नहीं करेगी। आप अगर एहतियात करेंगे, वेंटिलेटर से बच जाएंगे, इमरजेंसी से बच जाएंगे, अस्पताल से बच जाएंगे, और एहतियात करें अपने और अपने बच्चों की। आप अपने घर में इमरान खान हैं, आप अपने मोहल्ले में वज़ीर आज़म हैं, आप अपने गली में आप ही हुकूमत हैं, तो ये एहतियात का काम है। यहाँ ऊपर से लेकर 180 मुल्क, 190 मुल्क जो हैं, वो तमाम वसाइल रखने के बावजूद फाइनली एहतियात पे। और आखिरी जो इसमें है कि मालदार तबका, प्लीज़ अल्लाह के नाम पे मालदार तबका आ गया है। अली बाबा वो जो कंपनी है, उन्होंने 10 मुल्कों की हेल्प कर रहे हैं, बिल गेट्स कर रहा है, गुलकारा रिहाना कर रही है, हॉलीवुड बॉलीवुड के अदाकार कर रहे हैं, और पता नहीं कितनी दुनिया करी जा रही है। आप कहाँ हैं प्लीज़? हमारे जो इस मुल्क के अली बाबा सारे थे, वो किधर गए हैं? इन हेल्प करें। और आखिरी बात वही है कि जो तमाम मेडिकल डॉक्टर्स हैं, जो तमाम नर्सें हैं, जो पैरा मेडिकल स्टाफ है, सर आप सबको सलाम। आप बहुत मुश्किल वक्त पे आप हमारे हीरो हैं, हम आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब का ताल्लुक है, शाजिया, कल भी हम मीटिंग जब हुई थी उसमें भी यही कहा। पहले जरा आज के रवैये की बात कर लें, कल के आपके सवाल पे मैं बात करती हूँ, आज के रवैये पे जरा कमेंट करें। ये वज़ीर आज़म का रवैया था? नहीं, मैं उसी पर आ रहा था, उसी बात। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं देखिए, जब आपको बिलावल भुट्टो कहता है कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, आप हमारे वजीर सेहत हैं, जब शहबाज शरीफ कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर लीड करें, जब उसके बाद बाकी दो सूबे उनके अपने हैं, तो उस वक्त इमरान खान को ये पता नहीं तरीके इंसाफ के एज ए चेयरमैन की हैसियत से नहीं सोचना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए। अल्लाह बहुत कम मौके देता है ऐसे जब आप लीड करने की पोजीशन में होते हैं, तो आज उनके लीड करने का वक्त है, और वो लीड करें कौम को। एक 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 हिकमत अमली, एक रास्ता, और एक इमरान खान और सारों को लेकर चले। मैं इस बिल्कुल इस हक में हूँ, इस वक्त कौम, इस वक्त मुल्क, इस वक्त हम सारी, इस पूरी दुनिया एक आलमी वबा में है, जिसमें इमरान खान को, इमरान खान तो कप्तान है, अपनी कप्तानी की हर जगह मिसाल देते हैं, मेरा वर्ल्ड कप, मेरा शौकत खान, मेरा नंबर, आज मेरे पाकिस्तान का सवाल है, तो इमरान खान साहब आप लीड करें। बिल्कुल सही। अच्छा, कल जो वज़ीर आज़म की साफियों आप लोगों से मुलाकात, आप भी उसमें मौजूद थे, आपके सवाल पर एक बड़ा गुस्सा हुए, और एक क्लासर साहब के सवाल पे बड़ा गुस्सा हुए, जब आपने कहा कि आप वज़ीर आज़म की हैसियत से लीड करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, तो उनका इतना जो रवैया था, इतना एग्रेशन था, वो किस वजह से था? आपने कहा मीडिया की बात क्लासर साहब ने भी की, आपने भी वैसे कर ही दी थी, भले ही आपने कह दिया नहीं 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 करनी चाहिए, मुझे पता है आप जवाब नहीं देंगे, तो इतना एग्रेशन क्यों था कल वज़ीर आज़म साहब? टू द पॉइंट जो सवाल थे, उनकी बातों का सही जवाब भी नहीं दे रहे थे, उल्टा गुस्सा कर रहे थे, क्यों इतना एग्रेशन था कल प्राइम मिनिस्टर साहब की बातों में? मैं हैरान हुआ। पहली बात तो मैं उनका शुक्रिया अदा ये ज़रूर करना चाहूँगा कि पहले दिन जब पहली मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, कोई 8-10 दिन के बाद से लेकर आज 2 साल तक, वो बुलाते हैं और सुनते हैं, जितना गुस्सा हम करते हैं, जितनी तलख बातें करते हैं,
और उसमें मुझे कल की मीटिंग में दो चार हमारे दोस्तों ने ऐसे लफ्ज़ भी बोले जो नहीं प्राइम मिनिस्टर को बोलने चाहिए थे, लेकिन वो सुनते हैं और सुनी और उन्होंने उसका जवाब दिया। और दूसरी बात ये है कि ये पहले कल्चर नहीं था शाजी, आप ज़हन में रखिएगा, पहले होता था मनपसंद के चेहरे, मनपसंद के साफ़ी, मनपसंद हेलीकॉप्टर ग्रुप, अपने खाने, अपने दौरे और अपने एक माहौल में वो करते होते थे, तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात मुझे जो इमरान खान साहब से थी कि मीडिया, वो कहते हैं कि मेरी स्ट्रगल का बेस बुनियादी मरकज़ मीडिया है, हम नहीं कहते, चलो हम कहते हैं तो लोग सारे कहते हैं कि जी आप इमरान खान को क्रिकेटर भी आपने बनाया होगा, कप भी आपने जितवाया होगा, शौकत खानम भी आपने बनवाई होगी, नमल भी आपने बना, नहीं ये अल्लाह के फजल के बाद इमरान खान ने खुद किया है। लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान खुद मानते हैं कि मीडिया मेरे साथ ना होता तो मेरी स्ट्रगल कामयाब ना होती, मीडिया आज़ाद, मीडिया आज़ाद जमहूरियत के लिए ज़रूरी है, करप्ट हुकूमत मीडिया को दबाती है, बुरी हुकूमतें मीडिया पे पहला तसल्लुत चाहती हैं। हम क्लासा साहब ने जब बात शुरू की तो उसके वो बात दो चार इश्यूज़ पे थी कि ये नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, तो उसके बाद वो गुस्से में आ गए। और हालांकि मुझे नहीं तवक्को थी कि इमरान खान साहब को इस गुस्सा करें, उनको कहना चाहिए था कि मसाइल हैं, मसाइल कल भी थे, मसाइल आज भी हैं, मसाइल परसों, हम आपके साथ एक और नशिस्त कर लेते हैं इस मीडिया पे और मैं आपके साथ हूँ, जो आखिर में उन्होंने कहा मैं आज़ाद मीडिया का हामी हूँ। लेकिन मुझे इमरान खान साहब कल एक तो ऑफ कलर लगे इस वजह से कि वो शुरू से गुस्से में आ गए, या शायद दबाव में थे, या शायद वो मुसलसल थके हुए थे, लेकिन बहरहाल फिर भी मेन मकसद इस वक्त मीडिया, हम चलते रहेंगे, हम करते रहेंगे, हम भी इस मुल्क के साथ हैं, मेन मकसद ये है कि इमरान खान साहब ये वक्त आ गया आप कप्तान बने, टीम को लीड करें कोरोना के खिलाफ, इस ये वर्ल्ड कप आपने जीतना है, इस कौम के पास वसाइल नहीं है, जज्बा है, वो जज्बा तभी जिंदा हो सकता है जब आप लीड करेंगे। तो अच्छा, एक और बड़ी कन्फ्यूजन है जिसका जवाब कोई दे ही नहीं पा रहा, ना पंजना केपी से, ना वजीर आजम साहब इस बात का जो है ना वो क्लियर इसको कर पा रहे हैं, लॉकडाउन है नहीं है, तीन दिन हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब लॉकडाउन को अपोज कर रहे हैं। आपने देखा तीन दिन पहले जब उन्होंने खिताब किया, उसके चंद घंटों के बाद फिर यहाँ पर भी पंजाब में भी लॉकडाउन हो जाता है, हर जगह अब लॉकडाउन है, अवाम क्या समझे लॉकडाउन है नहीं है, पंजाब में किसकी मर्जी से लॉकडाउन होता है, क्या पंजाब ने प्राइम मिनिस्टर से पूछे बगैर लॉकडाउन कर दिया, ये भी अकल बात जो है ना ये मानने को तैयार नहीं है, केपीके में लॉकडाउन हो जाता है किसकी मर्जी से हो जाता है। तो यहां से पता चलता है कि विफाक और सूबे इस मामले पर खासतौर पर जहां पर इनकी अपनी दो सूबों में हुकूमत है, पंजाब में केपी में, क्या ये फैसले विफाक में और सूबों की कोऑर्डिनेशन से नहीं हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे तो फिर कहां पे हो रहे हैं ये फैसले सारे कि लॉकडाउन करना है नहीं करना है, कि बुज़दार साहब अपने ताई फैसला कर लें, ये अकल जो है ना बात मानने को तैयार नहीं है। आपके जो सवाल का निसाबी और किताबी जवाब है वो तो ये है कि सिंध चलो हो गया, मुराद अली शाह ने, उनको नहीं करना चाहिए था, जब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, तकरीर की, उसके आधे घंटे बाद आके उन्होंने लॉकडाउन का वीडियो पैगाम कर दिया, नहीं करना चाहिए था, जब आप साथ चलते हैं तो नहीं करना। दूसरी बात यह है कि चलो केपीके और पंजाब, इमरान खान साहब की बात मान लेते हैं कि वो सूबे 18वीं तरमीम, खुद मुख्तार, और उसके बाद जब आप फ़ौज को सारे सूबे बुलाते हैं, सारे सूबे, तो फिर फ़ौज के डी जी एस पी आर आते हैं और आकर बताते हैं कि ये सारा करना चाहिए था। इस पर भी इमरान खान साहब की मैं बात ये मान लेता हूं कि वो उन्होंने उस दिन, कल भी परसों मीटिंग में कहा कि हम ये सारा तय करके गए थे तो उन्होंने अनाउंस किया था, मान लिया। मेरा इशू इस वक्त बुनियादी तौर पर शाजिया ये है कि कर्फ्यू, यस, हम इमरान खान साहब शुरू से इस कन्फ्यूजन का शिकार थे, उसी तकरीर फरमाई लॉकडाउन पे फरमाया, लेकिन लॉकडाउन तो आज इस्लामाबाद में भी है, लॉकडाउन तो सारे पूरे पाकिस्तान में, और लॉकडाउन होना चाहिए, हम लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते, हमारे यहाँ। तो ये फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के क्या वो लेकिन इसको प्लीज़ अल्लाह के नाम पे एक और तरह से भी ले जाएं, प्राइम मिनिस्टर और सियासत पे हमने बात कर ली, उनको लीड करना चाहिए, अब भी कोई वक्त नहीं गुजरा, किस तरह क्या किया, क्या मिसमैनेजमेंट हुई, आज केपी के एक पिंड में 26 निकल आए हैं, वगैरह वगैरह, इधर इस्लामाबाद के एक पिंड में सुना जा रहा है, सिंध में जो सिचुएशन असल है वो नहीं, वो दूसरी है, वो हो गया ना, इस वक्त भी कोई नहीं है, इस वक्त भी प्लीज़ अल्लाह के नाम पर हमारे पास तीन मॉडल हैं, एक था चीन का, हुकूमत आवाम इकट्ठी हुई, उन्होंने कंट्रोल करने के करीब पहुंच गए, दूसरा था इटली अमेरिका का, उन्होंने हुकूमतें नाहल निकली पहले, बाद में आवाम ने तवज्जो ना दी, तीसरा
ایک اور تھا ایران کا جذبہ ایمانی کے تحت، جذبہ ایمانی کے تحت انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے تبلیغی جماعت نے ملیشیا بند کرا دیا، انہوں نے خانہ کعبہ تک اور وہ سارا وہ جو مزار اور وہ زائرین بند کرا دیے۔ طریقے دو ہیں، احتیاط، اللہ سے استغفار، اور تیسری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ پہلے خندق کھودی پھر دعا کی، بدر میں خیمے لگائے پھر دعا کی، اور انہوں نے فرمایا توکل کرو مگر اونٹ باندھ کر۔ اس وقت جو آپ کا ہے کہ پلیز عمران خان کیا کہہ رہے ہیں، وہ مراد علی شاہ کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں سے میری اپیل ہے پلیز اللہ کے نام پہ آپ جو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں یہ اوپر سیاست کرتے رہے، کرتے رہیں گے، ان کو آپ صحیح نہیں کر سکتے۔ لیڈ کرنا پڑے گا، ایک اور کر کام کریں۔ بالکل، بہت بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب میرے ساتھ ہیں۔